मैं यह आपके बीच में एक मिनट से कम समय के लिए आऊँगा भी। कैप्टन सिकंदर रिजवी इसी शहर के रहने वाले हैं और जब देश में एक अजीब किस्म की हवा चल रही हो, उस आंधी में कैप्टन सिकंदर रिजवी एक ऐसे नेशनलिस्ट हैं जिनको इस आंधी से हमने बड़ा बचा के रखा है। आप लोग उनको बड़े गौर से सुनिएगा, ऐसे लोग कम हैं हिंदुस्तान में। सिकंदर रिजवी उन राष्ट्रवादियों में से हैं जिन्होंने सरकारें आई सरकारें गई लेकिन अपने राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ा। सिकंदर रिजवी साहब, धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, करण नारायण सिंह साहब, घनश्याम शाही जी, प्रोफेसर साहब, मैं कहाँ से शुरू करूँ? हमारे कर्नल साहब ने जो सिलसिला शुरू किया था, जहाँ से ख़त्म किया, मैं वहीं से उसको पिक कर रहा हूँ। सर, ड्यू रिस्पेक्ट, जिहाद, ये जिहाद जो शब्द है अरबी का है, पौराणिक है। ये इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, आज के दौर में क्या है, पिछले 150 साल से किया गया, जब से वहाबिज्म आया है। जिहाद को इतना भयानक बना दिया है शब्द को, कहना नहीं चाहिए, हो सकता है स्टूडेंट में कोई मुस्लिम भी बैठा हो, कि एक हम उस सूरे पर जब आते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो जिहाद का जब अल्फाज आता है तो हम उसको पढ़ते गुजर जाते हैं, फिर उसको दोबारा आते हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं, उसके माने क्या हैं। कुरान के अंदर दो जिहाद हैं, और आजकल के जो मुल्ला लोग बैठते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और यह आइसिस हो या वो तालिबानी हो या कोई भी जिहादी हो, लश्कर तोयबा हो, इन्होंने जिहाद की डेफिनेशन बदल दी। और आज के दौर में जो इनके स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे उमल कुरा सऊदी अरेबिया के अंदर है, वहाबिज़्म का सबसे बड़ा गढ़ है, उसकी ब्रांचेस हैं देवबंद, उसकी ब्रांचेस हैं लखनऊ का नदवा, इसी तरह बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। ये लोग जिहाद को इस बुरे ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया है, भयानक बना के पेश किया है, डरावना बना के पेश किया है, कि दिल नहीं करता कि उस सूरे को पढ़ो, माज़ल्ला, ऊपर वाला मुझे माफ़ करे। दोनों जिहादों में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ, इसमें लूँगा 30 से 45 सेकेंड। एक जिहाद अकबर है, यानी सबसे बड़ा जिहाद, एक है जिहाद असगर जो सबसे छोटा जिहाद। कुरान का जो ट्रांसलेशन है, सबसे छोटा जो जिहाद है वो बाद में बताऊँगा, पहले सबसे बड़ा जो जिहाद अकबर है जिसको कुरान के अंदर है, पुष्पेंद्र जी इसके बहुत ही स्टडी इनकी बहुत अच्छी है कुरान के ऊपर, ये मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टोकिएगा। जिहाद अकबर में है उस ज़माने में 1400 साल पहले, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि अरबों में लड़की होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था रेत में, मारना काटना ये सब था उनकी सोशल जो लाइफ थी, उसको ठीक करने के लिए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर शुरू किया। सबसे जाहिल कौम अरब थी, सबसे जाहिल कौम में से अभी भी जाहिल हैं वो लोग, और वो एक देवदूत के तौर पर आए। अब जैसे हमारी, मैं एशिया कम्युनिटी से हूँ, हमारे क्या कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर आएंगे, और दुनिया के किसी के धरती के कोने में किसी शक्ल सूरत किसी भाषा के वो पैगंबर होंगे, ये कुरान कह रहा है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, कोई भी मौलाना हमसे बात कर ले आकर के। मैं सबकी स्टडी करता हूँ, उमर कुरा हो चाहे ईरान की कौम हो या अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट, उसको भी पढ़ता हूँ मैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन मैंने कुरान की देखी है। तो जिहाद अकबर था उनके सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए, बहुत ही बुरा हाल था इनके यहाँ, मतलब जब कुरान आए उसके बाद से निकाह होना शुरू हुआ, उससे पहले निकाह का भी नहीं होता था, जंगली थे, नोमैड्स जिसको बोलते हैं, बेडून। तो वो जो दौर था उसको ठीक करने के लिए
जिहाद अकबर की, ये सबसे बड़ी जहालत इन लोगों में है, तो इनकी जहालत उनको दूर किया जाए और इनको एक सोशल गैदरिंग की जाए, इनको बैठ के समझाया जाए, जिसको आप जुमे की नमाज कहते हैं। मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ बात को। अभी जिहाद असगर है, जिहाद असगर है, किसी से तूतू में हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको डरा धमका के बात खत्म करो। जब तुम्हारी जान पे आ जाए या तुम्हारी ईमान पर आ जाए, तब तुम उस पर हाथ उठाओगे। हाथ उठाने के लिए कहा गया, तलवार उठाने के लिए नहीं कहा गया। जो भी कहता है मिसइंटरप्रेट कर रहा है, मेरे साथ डिबेट कर सकता है बैठ के। मैं कुरान को धारा प्रवाह पढ़ सकता हूँ, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, मज़ेदार बात एक है, कुरान में कभी कोई नुक्ताचीनी बदली दी नहीं गई है। जिहादियों ने क्या किया है, वहाबियों ने क्या किया है कि जैसे कि एक शब्द हमारा है संस्कृत का, एक तो अंत है एक अनंता, बिंदी का फर्क है सर, एक अंत हो रहा है एक अनंता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसी तरह कुरान के अंदर उन्होंने एक ऊपर का नीचे कर दिया, इस तरह करके उन्होंने कुरान को तोड़ मरोड़ दिया। अब मैं जिहाद को ख़त्म करता हूँ और मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, छात्र छात्राएं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की उस पार सरहद के एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर आज भी हिंदुस्तानी फौजों का इंतज़ार होता है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, मेरे फादर के जो रूट्स हैं वो बल्तिस्तान से हैं। बल्तिस्तान जो है करगिल से ऊपर है, जिसको कहते हैं स्कर्दू और हुंजा। अगर आप मैप उठाकर देखिएगा तो वो नज़र आएगा, बीच से डिवाइड हो गया, इधर करगिल है उधर स्कर्दू है। ननिहाल मेरी लखनऊ की, मेरी मदर लखनऊ की। जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ 4-5 महीने तक पता ही नहीं चला कि भारत आज़ाद हो सकता है। राजा हरि सिंह का राज हुआ करता था उस क्षेत्र के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको सेंसर कर रखा, वो कहीं निकलती नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ के फोटोग्राफ तक के नहीं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं आप सर्च इंजन में डालिएगा तो। क्योंकि राजा हरि सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उधर की स्टेट चलाई थी, और ब्रिटिश की जब आमद हुई तो ब्रिटिश को परेशानी थी कि रणजीत सिंह जी उनके पिताजी थे, कि इनको ऊपर तक हम जाने नहीं देंगे। इनका राज था हुंजा तक के था। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने राजपाट को चलाने के लिए ज़्यादा इनका सहारा नहीं है ब्रिटिशर का, और ब्रिटिशर्स को ये था कि हम किसी भी तरह हुंजा पहुंच जाए। हुंजा से रशिया कंट्रोल होता है उस ज़माने में, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो वहाँ पर एजेंसी बना दी गई, हुंजा और गिलगित एक एजेंसी बन गई। फिलहाल मैं उसको और शॉर्टकट करता हूँ। बल्तिस्तान में 99.9% शिया है, हमारे कम्युनिटी के लोग। मेरा वहाँ जाना हुआ आज से 10-12 साल पहले, उसके बाद से मुझे बैन भी कर दिया गया पाकिस्तान में। लकी मुझे वीज़ा मिल गया था, और इस्लामाबाद से हम जाते हैं इस कर्ज। मेरे ददियाल के लोग हैं वहाँ पर, वहाँ हमारे रिश्तेदार, हमारा ताया भी था बुज़ुर्ग। तो दोपहर के टाइम पे जब देखूँ कि वहाँ पर बहुत मोटी रोटी होती है, दूध से गूंधी आती है और घी से, वो 10 रोटी इतना खाना वो लोग खाते हैं, क्योंकि पहाड़ में रहते हैं, काफ़ी उनके शरीर को ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन 10 रोटियां इतनी बना करके रख दी जाती थी, हर घर में 10 रोटी रखी जाती थी। तो पूछा क्या कहते हैं, हमारे क्या ट्रेडिशन है। कई दिनों के बाद जब ने फिर पूछा तो किसी ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, ऐसे बताया नहीं कि बोले कोई खास चीज़ हमें होगा, लेकिन देखा कि वो 10 रोटियां फिर जाती कहाँ हैं। तो हमारे ताया के बेटे हमसे बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना का, हिंदुस्तानी फौज का इंतजार कर रही, जब आएंगी तो वैली में भूखी न रहें। हम बहुत इमोशनल हुए इस बात को जान करके कि पाकिस्तान का वो एरिया जो है सबसे बुरी कंडीशन में है वहां पर। मतलब ये हाल था कि ऊपर ऊपर का जो एरिया है, नीचे वैली है, इंदस रिवर एक तरफ है, हमारा छोटा सा गांव है, 25 माइल है, 40 किलोमीटर है इस कर्दू से टूवर्ड्स इंडिया, ऊपर पहाड़ियां वहां से, और वो 7-8 महीने बर्फ में रहती हैं, लेकिन उसमें भी लोग रहते हैं। वो करगिल साइड में भी वो पोर्शन थोड़ा सा पड़ता है, उनको बुड़प्पा बोलते हैं, वो नीचे उतर के आते ही नहीं है, सारी ज़िंदगी नमक से काम चलाते हैं। तो कोई हमारा ऊपर मिलने वाला था, हमारा कहने हम ऊपर घुमा के लाएंगे, हमने कहा ले चलो। वो चढ़ाई थी 4-5 घंटे की, तो हमारे साथ पूरा सामान, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऐसी जगह उस क्लाइमेट में इतना रहने की, तो हमको लेके चल दिए लोग। चाय का भी व्यवस्था उनका रखी थी, क्योंकि वहाँ हमारे मतलब का खाना पीना मिलना नहीं था। जब हम 5-6 हज़ार फिट की, 5 हज़ार तो थी हाइट, क्योंकि हालत मेरी पस्त हो गई थी, हम बता नहीं सकते। तो बीच में छोटे छोटे गाँव पड़ रहे थे,
तो हमारे जो कजिन हजिन थे वो निकाल के स्पून से बच्चों को चीनी बांट रहे थे, एक एक स्पून चीनी दे रहे थे। बीच में जो गांव पड़े थे, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ क्या बदतर हालत है। और उसके बाद हम वहाँ से चले गए ऊपर 1000 फीट ऊपर, ऊपर एक छोटी सी जगह थी मिल करके। शाम ढलने से पहले हमको नीचे उतरना, नीचे उतरना फास्ट होता है, जो हम 1.5 घंटे में कर लेते। 2.5-3 घंटे के बाद जो हम नीचे उतर रहे थे सब, हम लोग सब 10-20 लोग थे, क्योंकि मैं एलियन लग रहा था उन लोगों के बीच में कि हिंदुस्तान से आया है। और हमारे रिश्तेदारों को ये पता था कि मैं पायलट हूँ, गमड़ा पाकिस्तान को नहीं पता था कि मैं पायलट हूँ, वरना तो मुझे जाने भी नहीं देते। वो हमारे यहाँ से लीक हो गया घर से, तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस का लगा होगा वहाँ पर, उसने खबर कर दी, तभी मुझे बैन किया गया। हम जब लौटे 2.5-3 घंटे के बाद, उनके हाथ की चीनी नहीं खत्म हुई थी, वो एक एक दाना खा रहे थे बच्चे। वो उनकी लग्जरी है, उनको नसीब नहीं मिठास। जिस मुल्क के बच्चों को मिठास ना पता हो वो मुल्क क्या है, वो जहन्नुम से बदतर है, जहन्नुम से बदतर है। और जो जहन्नुम में रहते हैं ना, इंसानियत के दुश्मन हैं वो लोग। बॉर्डर पार वही देख लिया, करगिल से लेकर जो हमारा बल्तिस्तान का जिसको पोशन स्कर्दू कहते हैं, कभी नहीं सुनोगे सुई भी इस पार से उस पार नहीं होती है। और मुजफ्फराबाद और कश्मीर के बीच में ऐसे आते जाते रहते हैं गन लेकर, सारे टेररिस्ट जिहादी आते रहते हैं। और मज़ेदार बात ही चलते हैं, कहाँ से हैं, काबुल से, वहाँ से आते हैं अफगानिस्तान से आएंगे, पार करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान को पूरी लॉजिस्टिक देता है उनको बॉर्डर। कर्नल साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत ही सीनियर, इनको जितनी नॉलेज मुझे शायद इतनी नहीं है, लेकिन वो तो जिहाद हम देख रहे हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 युद्ध में ग्रस्त हैं, आप लोग शायद मालूम होगा 2.5 युद्ध में ग्रस्त हैं। एक हमारा उत्तर का बॉर्डर है, सीमा है जहाँ से हम निपट रहे हैं चाइना का, एक हमारा पश्चिम का है पाकिस्तान, और आधा हमारी कंट्री के अंदर है जिससे जंग कर रहे हैं। 17.5 करोड़ आबादी है, उसमें से 5 करोड़ 5.25 करोड़ शिया को अलग कर दीजिए, बचे 12.5 करोड़, वो हैं कौन? अब लोग तो कहते हैं नहीं साहब सब देशभक्त हैं, सब देश के लिए काम करते हैं, ये करते हैं, ये सब बेकार की बातें समझाने की। सर मैं घूम घूम के पूरी दुनिया को देख रहा हूँ कायदे से, जितने मदरसे हैं, जितने ये वो हैं, ठीक हैं, कुछ मदरसे अच्छे भी हैं, हम सबको नहीं कहते हैं बुरा है जो जिहादी पढ़ाई जाती है, लेकिन ज़हनियत बदलना बड़ा मुश्किल है। अब लखनऊ में मेरे पास इन्फॉर्मेशन 150-200 मदरसे चल रहे हैं, उसमें दोनों कम्युनिटी के हैं, शिया के भी हैं सुन्नी के भी। मैं किसी ये नहीं कहूँगा सुन्नी के सारे खराब हैं या शिया के सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, देशभक्ति उसके अंदर भी है। अगर आप देखेंगे तो लखनऊ से शायद नॉलेज में नहीं होगा, 13 फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, अभी फ्लाई कर रहे हैं, वो शियाई हैं हमारी कम्युनिटी से। एक नाम बता दो दूसरी ला के दे, नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं मिलेगा।